इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद पीएम ने ये फैसला लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी और आम खबर के साथ में जी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही बोर्ड परीक्षा 2024 से जुड़ी हुई। जी हां, बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर सरकार की तरफ से आज एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी गई और सभी छात्रों को एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। जी हां, इस खबर को जानकर आप सभी छात्र गुस्से से उछल पड़ेंगे क्योंकि सरकार की तरफ से आज एक ऐसा ही बड़ा फैसला लिया गया है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड से विलोम करने वाले छात्रों छात्राएं, तो आप तमाम छात्र जुड़ी सबसे बड़ी और आम खबर निकल के सामने आ रही है। इसकी संपूर्ण जानकारी और अपडेट हम जानेंगे इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में, तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने बोर्ड और राज्य के नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके बोर्ड और राज्य जुड़ी जब भी कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, सुबह बता दें बोर्ड की परीक्षा को लेकर सरकार कई सारे अहम और बड़े बदलाव कर रही है, इसी बीच कई घोषणाएं भी कर रही है और इसी बीच सरकार की तरफ से आज एक ऐसी बड़ी घोषणा कर दी गई जिसको जानकर काफी सारे छात्र के मन में खुशी झूम उठेगी। जी हां, आप सुबह बता दें सरकार ने कहा है कि इस बार यदि किसी भी छात्र के 85% से अबव यानी 85% से ऊपर नंबर आ जाते हैं तो उन सभी को है इस बार टेबलेट वितरण किए जाएंगे। और इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि यदि किसी भी छात्र के 95 से ऊपर आ जाते हैं तो उसको सभी को लैपटॉप वितरण किए जाएंगे। चाहे भारत की किसी भी राज्य के बोर्ड से विलोम करने वाले छात्र और छात्राएं हैं, तो ये सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान इस वक्त कर दिया गया है। और कुछ छात्रों को स्मार्टफोन भी वितरण किए जाएंगे, जहाँ पर 80 नंबर से ऊपर जिसके भी आएंगे उनको सभी को स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। इन सभी पर आप सभी क्या राय है, जो सरकार ने फैसला लिया वो सही है फिर गलत, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।